घर मुंबई पुलिस पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान और उनके पिता की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सुरक्षा को बढ़ाया गया है। सलमान खान को धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर अब मुंबई पुलिस आ गई है। धमकी में यह कहा गया था कि मूसे वाला जैसा ही हाल बना देंगे। आपको बता दें, ये बहुत पुरानी धमकी है, लेकिन देखिए अब किस तरह से लेकर जो मुंबई पुलिस है वो अलर्ट मोड पर आ गई है, और इसी के तहत अब जो सुरक्षा है वो सलमान खान और उनके पिता की बढ़ा दी गई है। तो एक्टर सलमान खान के घर पर पुलिस की टीम पहुंची है, मुंबई पुलिस उनके घर पहुंची है। तस्वीरें भी देखिए, एक्सक्लूसिव आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त सीधी आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की, जहां पर मुंबई पुलिस जो है वो तैनात हो चुकी है। सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी मिली थी, और जिसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से, महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। सलमान खान को धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। आपको बता दें कि धमकी भरे पत्र में सलीम खान को ये कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल ही आपका किया जाएगा। तो आपको बता दें, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई है, उसी तरह से सलमान खान की भी हत्या कर दी जाएगी। इस तरह की धमकी मिली थी, काफी पुराना ये जो पूरा वाक्य है, काफी पुरानी धमकी है। लेकिन अब इसे लेकर, क्योंकि हाल फिलहाल में ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, उसके बाद मुंबई पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। यही वजह है कि जो सलमान खान है उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सलमान खान के पिता सलीम खान को भी धमकी मिली थी, और अब मुंबई पुलिस उनके घर पर पहुंची हुई है। तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, सलमान खान के घर पर इस वक्त आपको बता दें मुंबई पुलिस की टीम पहुंची हुई है। किस तरह से उनकी सुरक्षा को और बढ़ाया जाए, इसको लेकर वहां पर फैसला किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है, जहां पर सलमान खान को जो धमकी दी गई थी काफी पहले, उसी धमकी को देखते हुए एहतियातन तौर पर मुंबई पुलिस ने सलमान खान के और उनके पिता की सुरक्षा को उनके घर पर पहुंचकर बढ़ाने का फैसला किया है। बिल्कुल, तो सलमान खान के घर के बाहर, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मुंबई पुलिस के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए। आपको बता दें कि सलमान खान के पिता सलीम खान जब मॉर्निंग वॉक पर परसों निकले, तो उन्हें एक धमकी भरा खत मिला, जिसमें ये लिखा गया था कि उनकी और सलमान खान की भी जो अंजाम है वो सिद्धू मूसेवाला जैसा ही होगा। जिसके बाद महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने सलमान खान और उनके पिता की सुरक्षा बढ़ाते हुए गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जवानों को तैनात कर दिया है। सीधी तस्वीरें भी इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से सलमान खान के घर के बाहर जो है सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पुख्ता कर दिए गए हैं। निलेश शुक्ला हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। निलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो एक पत्र जारी करके धमकी दिया गया था सलमान खान और उनके पिता को, उसे देखते हुए मुंबई पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट पर है। तो चलिए लगातार देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिर से जुड़ेंगे निलेश। लेकिन देखिए फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से जो चिट्ठी लिखी गई थी, धमकी भरी चिट्ठी थी, बकायदा उसमें लिखा गया था कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मूसेवाला की हत्या की गई है, जिस तरह से उनके साथ जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, उसी तरह सलमान खान की भी हत्या कर दी जाएगी। यही वजह है कि मुंबई पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट पर है। निलेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, मुंबई पुलिस जो हाल फिलहाल में धमकी दी गई है उसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है? जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस हाल फिलहाल में बेहद अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि रविवार को सुबह जब सलीम खान मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, तब उन्हें धमकी भरा एक पत्र दिया गया था, और इस धमकी भरे पत्र का जो संज्ञान है उन्होंने मुंबई पुलिस ने लिया, और अपनी तरफ से उन्हें जो कार्रवाई है वो उन्होंने शुरू की। और आज उनके घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट, उनका सलमान खान और उनके पूरा परिवार जो उनका निवास स्थान है, उसके बाहर पुलिस बंदोबस्त हमें देखने मिला है। आज सुबह जो मॉर्निंग वॉक पर सलीम खान निकले भी थे, उसके बाद अब से कुछ देर पहले जो हमें जानकारी मिली है कि ज्वाइंट सीपी मुंबई पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के विश्वास नागरे पाटिल और जोनल डीसीपी मंजुनाथ सिंह खुद उनके घर पर पहुंचे हैं, सलीम खान से मुलाकात करने पहुंचे हैं। साथ ही साथ जो उनके परिसर है वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी भी लगा दी गई है। आज सुबह जब सलीम खान मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तब उनके साथ सिविल ड्रेस में कुछ पुलिसकर्मी भी उनके साथ मौजूद थे, क्योंकि जिस प्रकार की ये पूरा प्रकरण बताया गया कि मूसेवाला किया जाएगा सलमान खान और उनके पिता के साथ, इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए जो मुंबई पुलिस है वो सतर्क हो चुकी है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जरूर जारी है। निलेश, एक बड़ा सवाल ये भी है, सलमान खान मेगा स्टार है, उनके घर के बाहर ऐसे भी आम दिनों पर उनके चाहने वाले प्रशंसक जो है वो इकट्ठा होते हैं, ऐसे में पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, और तकरीबन कितना पुलिस फोर्स जो है वो डिप्लॉय किया गया सलमान खान के घर के बाहर?
बिल्कुल आपको बताऊं कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का जो निवास स्थान है वो उनके फैंस के लिए एक तीर्थस्थल की तरह है, क्योंकि जब आज हम सुबह उनके पिता से मिलने पहुंचे थे तब भी कई सारे जो फैन हैं वो हमें घिर कर यही पूछ रहे थे कि सलमान भाई क्या नीचे आने वाले हैं, क्या सलमान भाई हमके फैन से मिलने वाले हैं। ऐसे में जब हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है, रोजाना सैकड़ों लोग उनके इंतजार में, उनकी झलक के इंतजार में रहते हैं, तो मुंबई पुलिस के लिए बेहद ही ज्यादा कठिन होने वाला है कि जो टारगेटेड धमकी मिली है उसमें से उन्हें सुरक्षित रखना एक बेहद ही बिल्कुल ये चुनौती होने वाली नीलेश की, किस तरह से जो फैंस पहुंचते हैं उस बीच सुरक्षा को और बढ़ाए रखना। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।